बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप लोग जो भी स्टूडेंट बैंक अकाउंट में रुपया का ट्रांसफर करने का इंतजार कर रहे थे, उन सभी स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट का जो फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया और 48 घंटा के बाद आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया आना ट्रांसफर होना यानी शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में आज की इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोगों को किस डेट को बैंक अकाउंट में एक्यूरेट जो है 100% रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो भी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहाँ पर भी शेयर कर दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो कॉन्टैक्ट किस प्रकार करना है आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैं मेडासॉफ्ट का स्नातक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई हूँ। आने के बाद देख लीजिए, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना, नीचे जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर, उसके बाद देख लीजिए रिजल्ट पब्लिक बिटवीन, इस वाले ऑप्शन पर सभी स्टूडेंट को क्या करना है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइज कर लेना है। डेस्कटॉप साइज अगर नहीं करोगे तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो आप लोगों को पहले से भी मालूम होगा कि अपना स्टेटस किस प्रकार चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टूडेंट प्लस, इस वाले ऑप्शन पर सभी स्टूडेंट को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पर सभी स्टूडेंट को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस अब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं कोई एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर आप लोग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो अपना यूनिवर्सिटी आसानी से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद गेट स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट स्टेटस पर क्लिक करते हैं, कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप लोगों का स्टेटस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम और उसके नीचे मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को बैंक वेरिफिकेशन में सिर्फ आप लोगों का आधार नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर नहीं होता है, अब जो है आप लोगों का आधार कार्ड पर नंबर पर आप लोगों को रुपया भेज दिया जाता है। जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोगों का आधार सीडेड होगा उस बैंक अकाउंट में आप लोगों को रुपया ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए डीबीटी इनेबल वाले ऑप्शन में आधार सीडेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर रेसिडेंटियल स्टेटस आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके बाद ये देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा और लास्ट में जो है आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए फाइनल में आप लोगों को इन प्रोसेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये जिन भी स्टूडेंट का इन प्रोसेस हो गया, आप लोगों को याद रखे कि आप लोगों को 12 से लेकर 13 फरवरी, यहाँ पर 12 और 13 फरवरी को आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया 101% ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये जो है 48 घंटा के बाद आप लोगों को कभी भी रुपया ट्रांसफर होना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे किसी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट में रुपया आएगा वैसे हम वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, 30,000 स्टूडेंट का अभी इन प्रोसेस हुआ और जिन भी स्टूडेंट का आप लोगों को वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा है वो सभी स्टूडेंट वेरीफाई के लिए इंतजार कीजिए। सबसे पहले उसका रेडी फॉर पेमेंट होगा, रेडी फॉर पेमेंट के बाद आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आएगा, उसके बाद इन प्रोसेस होगा। जिन भी स्टूडेंट का आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट का ऑप्शन है वो सारे स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का इंतजार कीजिए, जैसे वो हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को इन प्रोसेस होगा। जिन भी स्टूडेंट का रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आया वो इंतजार कीजिए, आप लोगों को अगले फंड के तहत आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि 6 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में आप लोगों के लिए 500 से लेकर 700 करोड़ के बीच में आप लोगों को बजट पेश होने वाला है। इस बीच में आप लोगों को इस अमाउंट के द्वारा आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि इस फरवरी के लास्ट तक आप लोगों को हो सके कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया मिल जाए। तो मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बता दी हूँ, इसके बावजूद अगर कोई डाउट है प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो कॉन्टैक्ट हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए आप लोग इंस्टाग्राम को सबसे पहले फॉलो कीजिए और आसानी से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर बात भी कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है प्रॉब्लम तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।